200 क्रिकेट देखने वालों में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो क्रिकेट मैच देखते समय किसी एक टीम का सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो जो क्रिकेट की बारीकियां भी समझते हैं। आप किस टाइप के क्रिकेट फैन है भाई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, हमारी इस वीडियो को समझने के लिए दोस्तों आपको क्रिकेट की बहुत ज्यादा बारीकियां समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्रिकेट के माइनर टेक्निक्स नहीं जानते तो भी क्रिकेट देखने वाले हर व्यक्ति को इतना तो पता ही है कि बॉलिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं, और ये भी बड़ी कॉमन सी बात है कि हर बॉलर का कोई एक स्पेसिफिक बॉलिंग स्टाइल भी होता है। ज्यादातर बॉलर्स किसी भी बॉलिंग स्टाइल को ही मास्टर कर पाते हैं और दूसरे तरीके से बॉलिंग कर पाना उनको काफी कठिन भी लगता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन मैचेस के बारे में आपको बताएंगे जिनमें एक ही मैच में बॉलर्स ने स्पिन और पेस दोनों तरीके से बॉलिंग की है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि स्पिन बॉलिंग और पेस बॉलिंग होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, क्रिकेट में ये दोनों ही कैटेगरी बॉलिंग की दो ब्रॉड कैटेगरीज है। स्पिन वर्ड से ही क्लियर समझ आ रहा है कि भाई घुमाव और रोटेशन की बात हो रही है, और पेस का मतलब फास्ट बॉलिंग से है। फास्ट बॉलर्स बॉल और स्पीड से बैट्समैन को चकमा देते हैं, वही स्पिनर्स गेंद को रोटेट करा के बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब जो फास्ट बॉलर्स की बात निकली है तो हम आपको बता दें कि फास्ट बॉलिंग में सबसे तेज बॉल डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के पास है। 22 फरवरी 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के एक मैच में, जो कि न्यूलैंड केप टाउन साउथ अफ्रीका में खेला गया था, उसमें शोएब अख्तर ने 163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाली थी। अब बात करें स्पिन बॉलर्स की, तो वही इसमें असल खेल बॉल की रोटेशन का है। कुछ बॉलर्स तो बॉल को इतनी अच्छी तरह से स्पिन करते हैं कि बैट्समैन के लिए बॉल के डायरेक्शन समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बॉलिंग में गेंद का एक हिस्सा पॉलिश वाला और चमकदार होता है और दूसरा रफ और खुदरा टाइप, और जब बॉलर बॉल को घुमाते हुए फेंकता है तो बैट्समैन के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि बॉल का कौन सा हिस्सा बैट को लगेगा। अब आपको स्पिन और पेस बॉलिंग में अंतर समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि स्पिन बॉलिंग करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी पेस बॉलिंग की तुलना में बेहतर है क्योंकि ये बैट्समैन के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पाकिस्तान के वसीम अकरम, फकार यूनिस, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन कुछ ऐसे ही बॉलर्स हैं जिन्होंने इस आर्ट को मास्टर कर लिया है। अब इतनी जानकारी के बाद दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि स्पिन बॉलिंग और पेस बॉलिंग काफी अलग अलग होती है आपस में, और आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी एक बॉलर के लिए दोनों तरह के बॉलिंग कर पाना मुश्किल क्यों है। इसलिए जब भी क्रिकेट टीम बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो उसमें दोनों तरह के ही बॉलर्स को जगह दी जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ऐसे बॉलर्स नहीं है जो स्पिन और पेस दोनों तरह की बॉलिंग कर सके। दोस्तों देखिए, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग कर पाना ही काफी एक्सेप्शनल एबिलिटी है, लेकिन किसी बॉलर का फास्ट और स्पिन दोनों ही तरह से बॉलिंग करना बहुत ही रेयर है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बॉलर दोनों तरह की बॉलिंग में खुद को स्किल कर भी ले, तो भी क्या क्रिकेट में दोनों तरह की बॉलिंग करना अलाउड है? तो भाई आपको हम बता दें, क्रिकेट में ऐसा कोई रूल नहीं है जो किसी बॉलर को अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज करने से रोके। तो अगर बॉलर चाहे तो बेशक वो मैच में अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई बॉलर अपना बॉलिंग हैंड चेंज करता है तो उसे अंपायर को इन्फॉर्म करना होगा। चलिए, ये तो अब क्लियर हो गया कि कोई बॉलर चाहे तो मैच में अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज कर सकता है, लेकिन आखिर कोई बॉलर मैच के बीच अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज क्यों करेगा? मतलब सीधी सी बात है यार, बॉलिंग स्टाइल को सीखने और मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, और फिर जब आप किसी कला में महारत हासिल करें तो मैच के दौरान जब एक गेंद ये तय करती है ये मैच जीता जाएगा या आप हारेंगे, तो ऐसे में किसी नए स्टाइल को अपनाकर जिसकी आपको उतनी जानकारी नहीं है आप रिस्क नहीं लेंगे। इस बात में दोस्तों आप भी एग्री करेंगे कि इम्तिहान के समय जब भी एग्जाम होते हैं आपको अपनी उसी स्किल को यूज करना चाहिए जिसमें आप माहिर हैं। लेकिन क्रिकेट हिस्ट्री में दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है जब बॉलर्स को अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज करना पड़ा, और इसकी कई वजहें भी थी। बॉलिंग स्टाइल चेंज करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं इस पे। नंबर 1, इंजरी टू द बॉलर फोर्सेस टू चूज स्पिन बॉलिंग ओवर फास्ट बॉलिंग। दोस्तों, इंजरी का एक बड़ा रीजन है कि बॉलर को अपनी बॉलिंग स्टाइल चेंज करनी ही पड़ जाए, और खिलाड़ियों के लिए इंजरी होना देखिए काफी आम बात है। और क्योंकि क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स को चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, और लगातार तेज बॉलिंग कर पाने के लिए फिट होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में अगर किसी फास्ट बॉलर को चोट लग जाती है तो वो कभी कभी स्पिन बॉलिंग करने का निर्णय ले लेता है। इसका एक एग्जाम्पल मार्क वॉग है, जो अपने करियर की शुरुआत में फास्ट बॉलिंग किया करते थे, लेकिन चोट लगने के बाद उन्होंने स्पिन बॉलिंग करनी शुरू की। नंबर 2, शीर कैपेबिलिटी ऑफ द बॉलर टू बॉल बोथ स्पिन एंड फास्ट बॉल्स। ये सिचुएशन दोस्तों काफी रेयर है, लेकिन ऐसा संभव है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो फास्ट और स्पिन दोनों ही तरह की बॉलिंग कर पाने में सक्षम होते हैं, और क्योंकि ये दोनों ही तरह से बॉलिंग करने में सक्षम होते हैं, इसलिए जो बॉलिंग स्टाइल उन्हें पसंद होता है वो उस बॉलिंग स्टाइल को अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। ऐसे में बैट्समैन के लिए कंफ्यूजन बढ़ जाती है। नंबर 3, अडैप्ट टू द कंडीशन। दोस्तों, क्रिकेट में सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है पिच और मैदान, जिसके सामने बड़े से बड़े माहिर खिलाड़ी की नहीं चलती, और ऐसी सिचुएशन में बॉलर्स के लिए अच्छा यही होता है
कि वो पिच के हिसाब से अपनी बॉलिंग स्टाइल को चेंज कर ले। कभी कभी भाई मैच में ऐसी भी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि बॉलर को अपनी बॉलिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि इंडिया के मनोज प्रभाकर को श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में स्पिन बॉलिंग करनी पड़ी थी। एग्जाम्पल ऑफ बोलर्स हु बोल्ड बोथ फास्ट एंड स्पिन इन सेम मैच। वैसे से बहुत सारे बोलर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में स्पिन और पेस दोनों ही तरह की बॉलिंग की है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ उन 5 बोलर्स के बारे में बताएंगे जिनको एक ही मैच में पेस और स्पिन दोनों तरह की बॉलिंग करनी पड़ी। नंबर 1, करसन खावरी। बात 1977 के मैच के दोस्तों, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच के दौरान भारत के करसन खावरी ने तेज गति से गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए थे, लेकिन बिशन सिंह बेदी के घायल होने के बाद उन्हें दूसरी पारी में लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 2, मनोज प्रभाकर। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान मनोज प्रभाकर मध्यम गति से बॉलिंग कर रहे थे। उनके इस बॉलिंग स्टाइल पर श्रीलंकाई गेंदबाजों ने उनकी जमकर धुलाई की और जमकर रन भी बटोरे। ऐसे में उन्हें रन कंट्रोल करने की सख्त जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने अपना अगला स्पेल स्पिन के साथ शुरू किया, और कमाल की बात यह रही कि बल्लेबाजों के रनों की गति को रोकने में वो सक्सेसफुल हुए। नंबर 3, सोहेल तनवीर। 2007 में कोलकाता में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। पाकिस्तान के उम्दा फास्ट बॉलर शोएब अख्तर चोटिल हो गए थे और पाकिस्तानी टीम के पास फास्ट बॉलर की कमी होने के कारण सोहेल तनवीर को लेफ्ट हैंड से स्पिन बॉलिंग करनी पड़ी थी। नंबर 4, कोलिन मिलर। कोलिन मिलर दोस्तों पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी एक मैच के दौरान अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज किया था। बात न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की है, जब मिलर ने स्टीफन फ्लेमिंग को स्पिन बॉलिंग की, और जब राइट हैंड बैट्समैन मैथ्यू सिंक्लेयर स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने अपना बॉलिंग स्टाइल स्विंग से मध्यम गति में स्विच कर लिया, यहां तक कि उन्हें इस गेंद पर विकेट भी मिला था। नंबर 5, सचिन तेंदुलकर। बॉलर्स की इस लिस्ट में दोस्तों भारतीय क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन का नाम देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी। वैसे तो भाई अपने सचिन एवरग्रीन और महानतम बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में कभी कोई खास रुचि दिखाई नहीं है। इसके बाद भी वो एक ऐसे दुर्लभ खिलाड़ी थे जो पिच के आधार पर ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मध्यम गति से बॉलिंग कर लिया करते थे। तो दोस्तों ये थे वो 5 खिलाड़ी जिनको एक ही मैच में स्पिन और पेस दोनों ही तरह से बॉलिंग करनी पड़ी थी। आपका फेवरेट बॉलर कौन है? आपके हिसाब से पेस और स्पिन में कौन सी बॉलिंग स्टाइल ज्यादा बेहतर है और कौन सी स्टाइल से बॉल डालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें, एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।